साथियों, आप सभी से जयदीप 5 एकड़ और मैं मध्य प्रदेश से आई हुई हूँ और मैं इस सरकार को बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे दलित आदिवासियों का शोषण करने की कोशिश कर रहा है और हम लोगों को मिटाने की कोशिश कर रहा है तो वो कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि आप दलित आदिवासी अपने अधिकार और अपने हक के बारे में वो जान चुका है कि ये सरकारें सिर्फ हमें मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है, ना कि हमारा कोई न्याय कर रहा है। क्योंकि साथियों, मैं बता देना चाहती हूँ कि यही शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आज बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि ब्राह्मण लोग, ठाकुर लोग, आज एक गांव में मर्डर होता है और वहां से लाश दूसरे गांव उसके चली जाती है, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो हमेशा मर्डर दलित आदिवासियों का होता है और मारने वाला हमेशा ब्राह्मण और ठाकुर होता है। तो हम ऐसे अन्याय अब नहीं सहन करेंगे, हम लड़ेंगे और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि आज महिलाओं को देख लो कि कहीं भी अत्याचार होता है पर उनकी और भी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ इस सरकार से, इस नरेंद्र मोदी से, कि ये महिलाएं जो उनके बच्चों का हक छीनना चाहती है, आज ये सारी महिलाएं मिलकर लड़ेंगी और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगी पर रहने नहीं देंगी साथियों, क्योंकि आज बात महिलाओं पे आ गई है, क्योंकि महिलाओं को आज सदियों से उनका न मान, न सम्मान, न तो उनका अधिकार मिला है। इसलिए हम सारी महिलाओं को जगाने का काम करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये जो सरकार बना के हम बैठा लिए हैं, ये तो हमारी जिंदगी खत्म करने के तुला हुआ है, तो इसे हमें मिटाना होगा और अपने अधिकारों को बचाना होगा, अपनी शिक्षा बचानी होगी। क्योंकि अगर आज अगर हम नहीं ध्यान देंगे, आज अगर हम नहीं लड़े, तो कल हम कहीं के नहीं रहेंगे और ये मनवाती हम पर अत्याचार करते रहेंगे, क्योंकि आज अगर हमारे ऊपर इतने कानून सख्त बना रहे हैं तो कल ये हमें बर्बाद कर देंगे। इसलिए आज हमें लड़ने की जरूरत है। सभी साथियों से निवेदन है कि लड़िए अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने समाज को बचाइए। इसी के साथ जयपुर पाते।